खबर है, विभिन्न मांगों को लेकर सीएम आवास की ओर जा रहे थे पंचायत सेवक, रोका तो सड़क पर बैठे, फिर लाठी चार्ज कर खदेड़ा। दोस्तों, लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एसएसपी आवास चौक के पास पुलिस ने शुक्रवार को पंचायत सेवकों पर लाठियां भांजनी पड़ी। पंचायत सेवक पहले मोराबादी मैदान में जुटे थे, फिर अचानक मोराबादी से निकलकर सीएम आवास की ओर जा रहे थे। पंचायत सेवकों को पुलिस ने एसएसपी आवास चौक के पास रोक दिया। पुलिस द्वारा बीच रास्ते में रोके जाने के बाद कई पंचायत सेवक नाराज हो गए और बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। पुलिस द्वारा लाख प्रयास किए जाने के बाद भी लोग सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं थे। सड़क जाम होने की सूचना के बाद सिटी डीएसपी अमित सिंह, कोतवाली डीएसपी अजीत कुमार बिमल और सदर डीएसपी दीपक पांडे दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर बैठे लोगों को वहां से हटने का आग्रह किया। हालांकि बार बार कहने के बाद भी लोग सड़क से नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। खबर है, कोल्हान विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षाओं को किया स्थगित। दोस्तों, कोल्हान विश्वविद्यालय ने 21 मार्च से अगले आदेश तक सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, वोकेशनल सीबी, सीएस प्रथम सेमेस्टर व एमएससी, एमकॉम सत्र 2019-21 की सभी परीक्षाओं को कोरोना वायरस से सतर्कता बरतते हुए अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं आगामी 23 मार्च को होने वाली प्रोफिशिएंसी एमबीबीएस की वार्षिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। उधर अधिसूचना जारी होने से पूर्व शुक्रवार को विभिन्न महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं का संचालन किया गया। एलबीएसएम सहित अन्य महाविद्यालयों में शांतिपूर्वक परीक्षाएं आयोजित की गई। खबर है, दाम बढ़ने के बाद घटी प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री, 40 रुपये में कम ही लोग खरीद रहे टिकट। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर रेलवे स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ रोकने की रेलवे की कवायद रंग ला रही है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के बाद इनकी बिक्री का ग्राफ काफ़ी गिर गया है। टाटानगर स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 40 रुपये कर दिए जाने से गुरुवार को 700 प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री हुई, जबकि पहले प्रतिदिन करीब 2500 प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री होती थी। जी हाँ, 2500 प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री होती थी। प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत बढ़ने से कम ही लोग अपने रिश्तेदारों को ट्रेन तक पहुंचाने व लाने के लिए जा रहे हैं। जो जा भी रहे हैं वे स्टेशन के बाहर ही रह रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी कर रेलवे ने प्लेटफॉर्म की भीड़ को कम करने का काम किया है, जिससे वही यात्री प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी हो। खबर है, बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। दोस्तों, बिजली वितरण निगम रांची सर्किल में रांची के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी पहल की है। रांची अधीक्षण अभियंता पीके श्रीवास्तव ने रांची सर्किल अंतर्गत 7 कार्यपालक अभियंता का व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इन नंबरों पर बिजली से संबंधित सूचनाएं आदान प्रदान की जा सकेगी। इन व्हाट्सएप नंबर पर आम बिजली उपभोक्ता या नया कनेक्शन लेने, बिल सुधार, बिजली आपूर्ति से संबंधित जानकारी, जले ट्रांसफार्मर को बदलने, बिजली बिल जमा करने एवं बिजली से संबंधित अन्य जानकारियों को शेयर कर सकते हैं। इसमें प्राप्त शिकायतों का निगम त्वरित कार्रवाई करेगा। खबर, मैट्रिक और इंटर का मूल्यांकन अब 1 अप्रैल से। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब 1 अप्रैल से शुरू होगा। शिक्षकों के विरोध के बाद जैक ने मूल्यांकन कार्य स्थगित कर दिया। शुक्रवार को शिक्षक मूल्यांकन के लिए केंद्र पर पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सभी ने निर्णय लिया कि मूल्यांकन नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जब सीबीएसई और आईसीएसई का मूल्यांकन बंद है तो जैक मूल्यांकन को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप से सभी शिक्षक डरे हुए थे। इधर जैक ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के नतीजे, बोर्ड के नतीजे अपने समय पर ही जारी किए जाएंगे। जल्द ही मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से
शुरू किया जाएगा।